सुंदरनगर से भाजपा प्रत्याशी राकेश चंबाल ने अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की दुर्गम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वायदा किया कि भाजपा सरकार आते ही वे पटरी से उतरी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। सुंदरनगर से भाजपा प्रत्याशी राकेश चंबाल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा मजबूत सरकार बनाने जा रही है, इसमें लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने लोगों से वायदा किया कि भाजपा सरकार आते ही पटरी से उतरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हल्के में विकास रुका पड़ा है, जिसे भाजपा की सरकार बनते ही रफ्तार दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ न तो सड़कें हैं और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं। आज चरखड़ी में हमने बाडू रोड़ा और प्रेसी दोनों पंचायतों का दौरा किया और यहाँ पर खून में मोहना का आशीर्वाद भी लिया। बहुत अच्छा वातावरण इस क्षेत्र में है, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता 5 वर्ष में जो कांग्रेस सरकार का कार्यकाल रहा, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जो रहे, विकास कार्य तो दूर की बात, विधायक महोदय ने 5 वर्ष जीतने के पश्चात इस क्षेत्र के लोगों का हाल चाल तक नहीं पूछा और 5 वर्ष के बाद अब वोट मांगने के लिए आए हैं। लेकिन लोगों में एक बहुत अच्छा उत्साह है, आज लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं। आज भी यहाँ पर जैसे हम चरखड़ी पहुँचे, अनेकों लोगों ने, अनेकों परिवारों ने कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और इस क्षेत्र में तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पर कांग्रेस पार्टी को तो 5% वोट भी हमारी बाडू रोड़ा और प्रेसी पंचायत में नहीं मिलने वाले, क्योंकि लोग यहाँ पर जो मोदी जी ने देश की जनता से आह्वान किया है कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि चरखड़ी में बाडू रोड़ा और प्रेसी दोनों पंचायतें इस बार कांग्रेस मुक्त होगी और भारी समर्थन यहाँ पर जनता का हमें मिल रहा है। और निश्चित तौर पर हमने जनता से वायदा भी किया है कि 9 तारीख को आपका आशीर्वाद मिलेगा, 18 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, उसके पश्चात हम अपनी इन दोनों पंचायतों के लिए जो रुके हुए काम हैं, जो बचे हुए काम हैं, उन विकास के कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सोमवार को उन्होंने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की दुर्गम पंचायतों का दौरा करते हुए माना, प्रेसी, नाग मंदिर, चरखरी, सरचस पे अपना अभियान चलाया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।